गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो यूनिट वन बायोकेमिस्ट्री के अंदर मेंशन है, दैट इज एटम, मॉलिक्यूल और बॉन्ड्स। तो आज हम सबसे पहले उसी टॉपिक को हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट व्हाट इज एटम, व्हाट इज मॉलिक्यूल एंड व्हाट इज बॉन्डिंग। तो ये तीन टॉपिक्स हैं, इनको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये तीनों ही टॉपिक बहुत बेसिक है, क्योंकि आपने इसको 9th, 10th, 11th, 12th क्लास से लेकर BSc तक और इवन MSc में सभी जगह पर पढ़ा होगा। तो बस सिंपली इन बेसिक्स को हम रिवाइज कर रहे हैं। वापस हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम केमिस्ट्री की मास्टर्स डिग्री नहीं कर रहे हैं, न ही हम बायोकेमिस्ट्री के स्पेशल स्टूडेंट्स हैं। हम लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं और हमें जितनी रिक्वायरमेंट है हम उतनी ही बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, ओके। हाँ, जिनको पहले से बायोकेमिस्ट्री ज़्यादा आती है तो फिर वह अपना टाइम कहीं ओवर यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर काफ़ी डिटेल में बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ने वाले, हम उतनी पढ़ने वाले जिससे हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वॉट वी मीन बाय मैटर। मैटर क्या है? सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि एवरीथिंग विच इज अराउंड अस, चाहे मोबाइल जिस पर आप देख रहे हैं या लैपटॉप जिसके ऊपर आप विजुलाइज कर रहे हैं, या आपके हाथ में जो कॉपी है या पेन है, या मैं हूं या आप हैं, वी ऑल आर कंपोज्ड ऑफ मैटर। हम सब मैटर के बने हुए हैं। एनीथिंग विच इज हैविंग अ सम फिजिकल एग्जिस्टेंस, उसके लिए वी से दैट इट इज कंपोज्ड ऑफ मैटर। नाउ मैटर्स कई तरीके की फॉर्म्स में हो सकते हैं। मैटर कुड बी इन अ सॉलिड स्टेट, हीट करने पर उसी मैटर को लिक्विड स्टेट में, उसी मैटर को और ज्यादा हीट करने पर गैस स्टेट के अंदर, उसी मैटर को और ज्यादा हीट करने पर प्लाज्मा स्टेट में भेजा जा सकता है। सो मैटर की कई सारी अवस्थाएं होती है, कई सारी स्टेट्स होती है। जैसा हमने कहा कि मैटर इट इज कंपोज्ड ऑफ, means everything which is around us is composed of matter and matter is composed of elements. Matter कई सारे elements से मिलकर बना हुआ होता है। अब बात यह आती है कि फिर element क्या है? So we can say that basically an element. So what is element? Matter किसका बना हुआ है? तो matter it is composed of an element. What is an element? So we can say element is a substance. Element is substance that cannot be separated into simpler substances. So element substances ka bana hua hota hai, और हम यह भी कह सकते हैं कि एलिमेंट इज अ काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस जिसको और प्यूरिफाई नहीं किया जा सकता। एलिमेंट में भी देयर इज सम रिपीटेटिंग यूनिट जो बार 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 देखने को मिलती है, पर ये जो सारी रिपीटेटिंग यूनिट्स हैं वह सब एक ही तरीके की होगी। रिपीटेटिंग यूनिट्स जो एलिमेंट में प्रेजेंट होती है उन्हें कहा जाता है एटम, दैट इज रेफर्ड टू एज एटम, ओके। So, what we want to say is, everything which is around us is composed of matter. Matter कई तरीके के elements से बना हुआ है, okay? और किसी एक element की बात करें तो an element is a substance which cannot be separated into a simpler substances by any chemical means. उसको और सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक किसी एलिमेंट के अंदर एक ही तरीके की कोई चीज बार बार रिपीट होती है, और ये रिपीटेटिंग यूनिट जो एलिमेंट में प्रेजेंट होती है इसे हम क्या कहते हैं? एटम। सो जैसे हम ये कहते हैं सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ अ लाइफ, उसी तरीके से जब हम केमिकल साइंसेस की बात करते हैं या केमिस्ट्री की बात करते हैं, मैटर की बात करते हैं, तो वी से दैट द एटम इज अ बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। तो कई सारे एटम मिलकर एलिमेंट्स बनाते हैं और डिफरेंट तरीके के एलिमेंट्स वह मिलकर मैटर का फॉर्मेशन करते हैं,
ओके तो पहली बात, तीन चीजें हमें यहां से क्लियर होनी चाहिए। मैटर क्या है? मैटर को फर्दर सब डिवाइड किया हमने कई सारे एलिमेंट्स में। हर एक एलिमेंट में कई सारी रिपीटेटिंग यूनिट्स होती है जो सब एक जैसी होती है। इन रिपीटेटिंग यूनिट्स को, इन बेसिक यूनिट्स को हम एटम्स कहते हैं। हम कुल मिलाकर किसी भी मैटर की बेसिक यूनिट क्या होती है उस नतीजे पर पहुंचे, और नतीजा ये है द बेसिक यूनिट ऑफ एनी मैटर इज बेसिकली एन एटम। इज इट क्लियर? ओके, सो पहली बात कि व्हाट इज अ मैटर। अब हम एटम्स और एलिमेंट्स के लिए इन दोनों को सिनोनिम की तरह इस्तेमाल करेंगे, पर्यायवाची की तरह इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एक एलिमेंट सिमिलर तरीके के एटम से मिलकर बना हुआ होता है। ओके, तो अब क्वेश्चन आता है कि मैटर तो हमारे चारों तरफ है, कितने एलिमेंट्स नोन है, कुछ आइडिया? एलिमेंट्स जिसमें सिमिलर तरीके के एटम्स होते हैं, ऐसे कितने एलिमेंट्स नोन है हमें? क्वेश्चन इज हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नोन। यस, कावेरी ने सही जवाब दिया, 118, ऑलमोस्ट 118, यू कैन से ऑलमोस्ट अराउंड 118 डिफरेंट एलिमेंट्स, 118 डिफरेंट एलिमेंट्स आर नोन। लिस्ट 120 तक भी हो सकती है, जैसा कि अंजलि ने बताया। बेसिकली ये 118 होगा, 119 होगा, 120 होगा, ये लिस्ट बढ़ती जाएगी। जैसे आकाश ने बताया कि एक 118 पहले से हमें पता थे, दो लेटेस्ट और डिस्कवर हुए, टोटल इसलिए हमारे पास 120 एलिमेंट्स हैं। इनमें से 83 नेचुरल एलिमेंट्स हैं, 83 दे आर नेचुरल, एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स दे आर प्रोड्यूस्ड इन लेबोरेटरीज यूजिंग वेरियस न्यूक्लियर प्रोसेस। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि लगभग 80 के आसपास, और मोर एक्यूरेटली 83 के आसपास नेचुरल एलिमेंट्स हैं या नेचुरली एटम्स हैं, और बाकी के एलिमेंट्स हैं वो साइंटिस्ट है, वो न्यूक्लियर प्रोसेसेस से लैबोरेटरीज में वह प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसलिए 118 से 119 भी हुए, 119 से 120 भी हुए, और फिजिक्स या केमिस्ट्री के रिसर्चर और भी एलिमेंट्स को डिस्कवर कर सकते हैं। सो इन एलिमेंट्स के बारे में आपने 11th 12th क्लास में काफी डिटेल में पढ़ा होगा, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ऑल ऑफ देम दीज आर बेसिकली द एलिमेंट्स। ओके, एंड हर एलिमेंट की रिपीटेटिंग यूनिट जिसमें सिमिलर प्रॉपर्टी है उन्हें हम एटम कह रहे हैं। सो हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन एलिमेंट, सो हाइड्रोजन, खूब सारे हाइड्रोजन एटम मिलकर दे विल फॉर्म अ हाइड्रोजन एलिमेंट, खूब सारे कार्बन एटम मिलकर दे विल फॉर्म अ कार्बन एलिमेंट, और जैसे हमने कहा कि एलिमेंट वह सब्सटेंस है जिसको और किसी केमिकल मीन से प्योर सब्सटेंस में फर्दर सब डिवाइड नहीं किया जा सकता। वापस मैं कह रहा हूं कि हम बहुत हाई फाई केमिस्ट्री नहीं पढ़ने वाले हैं, हम बहुत बेसिक चीज पढ़ने वाले हैं। हमारा सिर्फ इतना सा, ना तो हमें जो पीरियोडिक टेबल दे रखी है ये याद करनी है, बात इतनी सी है कि हमें इतना एक आइडिया होना चाहिए कितने एलिमेंट्स नोन है। तो 118 एलिमेंट्स नोन है, दो कुछ और एक्स्ट्रा एड हो गए, 120 एलिमेंट्स नोन है। ओके, उनमें से ऑलमोस्ट अराउंड 80 एलिमेंट्स नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं कई सारे न्यूक्लियर प्रोसेस से साइंटिस्ट ने प्रोड्यूस किए, रिसर्चर्स ने प्रोड्यूस किए, और लिस्ट अब बढ़कर 120 के आसपास आ गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या ये सारे 120 एलिमेंट प्रेजेंट है? आपको क्या लगता है कितने एलिमेंट्स बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रेजेंट होंगे? बायोलॉजिकल सिस्टम का मेरे अंदर मान लो कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, या किसी प्लांट के अंदर, ई कोलाई के अंदर, स्पाइनेज के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? वेरी गुड मोमिक शाह, सौम्य दत्ता 21, ठीक है,
देवरत्ता शुक्ला ठीक है, आपने भी सही बताया, पर मैं कह रहा हूं सारे जितने एलिमेंट्स हो सकते हैं उन सबको गिन लो, मींस मैक्रो न्यूट्रिएंट माइक्रो न्यूट्रिएंट ट्रेस एलिमेंट्स को भी गिन लो। मनीष 20, वेरी गुड। सोनल 20, पार्थिवकर 22-25। ख्वाजा आप लोअर रेजोल्यूशन पे देखो, स्ट्रीमिंग सही आएगी। बायोलॉजिकल सिस्टम में 25 to 26 एलिमेंट्स नोन है। तो 20 से थोड़े ज्यादा, 30 से थोड़े कम, जिसके अंदर हम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम, सेलेनियम, कॉपर, जिंक, इन सबको ट्रेस एलिमेंट्स को भी गिन लें, इस पूरी लिस्ट को भी गिन लें, तो 25 to 26। वेरी गुड स्नेल, यस। तो मैं यही कह रहा था 25 to 26 एलिमेंट्स दे आर प्रेजेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम। हर चीज जो हमारे सराउंडिंग में है वह बायोलॉजिकल सिस्टम का हिस्सा नहीं है। हमारे चारों तरफ लगभग नेचुरली 80 से ज्यादा एलिमेंट नोन है, बट इन 80 एलिमेंट से बायोलॉजिकल सिस्टम का हिस्सा बनने का सौभाग्य सिर्फ 25 से 30 एलिमेंट्स को नोन है, मोर एक्यूरेटली 25 to 26। इज इट क्लियर? सो वेदर आप बॉटनी स्टूडेंट हैं, चाहे आप माइक्रो के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप जूलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, किसी भी जगह से आप ऑर्गेनिजम्स को लेंगे तो लेसर देन 30 एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, एक्सेप्शंस दे आर ऑलवेज देयर, क्योंकि बायोलॉजिकल सिस्टम में यूनिवर्सल कोई रूल नहीं होता। ओके, तनवीर बफरिंग हो रही है, देखो आप लो रेजोल्यूशन में देखो, क्योंकि अगर बफरिंग हो रही होती तो बाकी स्टूडेंट्स भी प्रॉब्लम करते। मेरे यहां से तो बिल्कुल सही इंटरनेट कनेक्टिविटी बता रहा है। चलो, सो दूसरी जो हमने इंपॉर्टेंट बात की कि बायोलॉजिकल सिस्टम में सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते। हर चीज जो हमारे सराउंडिंग के अंदर है वो हम अपना हिस्सा थोड़ी बना लेंगे। बायोलॉजिकल सिस्टम्स दे आर वेरी इंटेलिजेंट। ओके ओके पोलमी, मिस्टर सही आ रही है, बफरिंग नहीं हो रही है, वेरी गुड। अब हम आगे और बात करते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर। अगर हम जैसे मैंने कहा सभी एलिमेंट्स को एड कर लें, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, बोरोन, क्रोमियम, कोबाल्ट, आयरन, आयोडीन, फेरस, मैग्नीज, फ्लोरीन, मॉलिब्डेनम, सेलेनियम, सिलिकॉन, वैलेडियम, जिंक, इन सबको भी ऐड कर लें तो हमारे पास लिस्ट में कितने आएंगे टोटल? 25 to 26। ओके, अब यहां पर जो ये टेबल दे रखी है, बेसिकली इस टेबल को अगर आप देखें, इस टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको जो ऑर्डर किया गया है फ्रॉम हाई टू लो, दैट इज बेसिकली अकॉर्डिंग टू देयर अकरेंस, डिपेंड अपॉन द फ्रेश वेट, हाइड्रेटेड वेट या फ्रेश वेट में हम देखेंगे कि जो किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम में देखें तो मोस्ट एबंडेंट जो एटम होगा दैट वुड बी द ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, देन इट वुड बी फॉलोड बाय हाइड्रोजन, then nitrogen, calcium, phosphorus and so on. So these are some of, we can say, most common atoms present in a biological system. ये जो distribution है that is according to the fresh weight, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी biological system का 90% के आसपास on average is a water. कुछ जगहों पर ज्यादा भी हो सकता है, कुछ जगहों पर कम भी हो सकता है, बट एवरेज 90% के आसपास वाटर होता है। और वाटर के अंदर दो एटम्स कौन से ज्यादा होंगे? ऑब्वियसली ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। और अभी हम आगे बात करेंगे, लाइफ इज अ कार्बन बेस्ड, इसलिए परसेंटेज के हिसाब से, परसेंटेज कंपोजिशन, एलिमेंटल कंपोजिशन के हिसाब से द मोस्ट एबंडेंट एटम इज ऑक्सीजन फॉलोड बाय कार्बन, देन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फरस। लेकिन अगर हम ड्राई वेट के हिसाब से बात करें, अभी तक जो हमने बात की थी वह फ्रेश वेट के हिसाब से बात की थी, और फ्रेश वेट के हिसाब से जब हमने बात की तो हमने किया गया था कि ऑक्सीजन है, देन देयर इज अ कार्बन, देन देयर इज अ हाइड्रोजन एंड सो ऑन। लेकिन ड्राई वेट, ड्राई वेट का मतलब कोई भी बायोलॉजिकल टिश्यू लें, चाहे वो लीफ है,
चाहे कोई एनिमल टिश्यूज है, उसको ओवन में माइल्ड वार्म कर उसको डिहाइड्रेट कर लें, या उसमें से कंप्लीट मॉइस्चर या वाटर जितना भी है वो हटा दिया जाए, किसी भी अप्रोच से आप इस्तेमाल करें, ड्राई वेट के हिसाब से एलिमेंटल कंपोजिशन को देखें, तो व्हाट यू फाइंड इज दैट नाउ द टॉपर इज नॉट एन ऑक्सीजन, इट बिकम्स कार्बन फॉलोड बाय नाइट्रोजन फॉलोड बाय ऑक्सीजन फॉलोड बाय हाइड्रोजन। हालांकि पूरे बाकी ऑर्डर की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहां से सिर्फ एक सिंपल सा पॉइंट आप याद रख लें, नोट डाउन कर लें कि जब फ्रेश वेट के हिसाब से बात कर रहे हैं तो मोस्ट एबंडेंट जो एलिमेंट है दैट इज ऑक्सीजन, देन इट कुड बी कार्बन। लेकिन जब हम ड्राई वेट के हिसाब से बात कर रहे हैं, एलिमेंटल कंपोजिशन को हम देख रहे हैं, तो जो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट होता है That is basically carbon. तो दो चीजें याद रखनी है आपको, ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू फ्रेश वेट एंड कार्बन अकॉर्डिंग टू अ ड्राई वेट। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि दीज आर सम ऑफ द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट वेरी हाई अमाउंट, इनको मैक्रो एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, और बाकी के कई सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत लो अमाउंट के अंदर अवेलेबल, ट्रेस अमाउंट के अंदर अवेलेबल, जिनको हम माइक्रो एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। चलो आगे बात करते हैं। इन 25 to 26 जो एलिमेंट्स बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं उसमें से भी देखेंगे कि देर आर सिक्स एलिमेंट्स विच आर मोस्ट एबंडेंट, देर आर ओनली सिक्स एलिमेंट्स जो बहुत ज्यादा एबंडेंट है, जिनको हम याद रखने के हिसाब से चिनोप्स भी कह सकते हैं। हाँ बाला साहब, यही बात मैं प्लांट के लिए भी बात कर सकती है, एलिमेंटल कंपोजिशन प्लांट बैक्टीरिया सभी जगह पर अप्लाई है। सो सिक्स जो मेजर एलिमेंट्स हैं जो बायोलॉजिकल सिस्टम में 25-26 में से, देखो हमने सबसे पहले कहा कि 120 होते हैं एलिमेंट्स, उसके बाद हमने ये कहा कि नेचुरली 80 से के आसपास है, उसके बाद हमने कहा कि बायोलॉजिकल सिस्टम में 25 से 26 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद अब हम कह रहे हैं कि 25-26 में से भी 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा एबंडेंट प्रेजेंट होते हैं। तो ये 6 एलिमेंट्स कौन हैं जो बहुत ज्यादा एबंडेंट हैं? ये 6 वॉरियर्स कौन है जो बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं? दीज इंक्लूड कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस and sulfur. These are the 6 elements. In 6 elements में को ध्यान से देखें कि periodic table पर कहां पर पाए जाते हैं। What you'll find is that ये 6 elements, चाहे वो hydrogen, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine और phosphorus and sulfur, ये first, second और third period में ही present होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि बायोलॉजिकल सिस्टम में जो मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स हैं ये कौन हैं? सारे के सारे जिनका स्मॉल साइज है, जिनका लो एटॉमिक नंबर है। नाउ क्वेश्चन इज, बायोलॉजिकल सिस्टम में लेड का, यूरेनियम का, जिंक का, मॉलिब्डेनम का, सिलिकॉन का, इनका इस्तेमाल नहीं हुआ है। इस्तेमाल हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, इन 6 एलिमेंट्स का इस्तेमाल हुआ और सबका एटॉमिक नंबर कम है। यानी हम एक बात तो कह ही सकते हैं कि बायोलॉजिकल सिस्टम में सभी एलिमेंट्स में से उन एलिमेंट्स को सबसे ज्यादा प्रेफर किया गया है जो सबसे स्मॉल साइज के। नाउ क्वेश्चन शुड कम इन योर माइंड, आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए कि ऐसी क्या विशेष बात है इन स्मॉल साइज के एटम में कि बायोलॉजिकल सिस्टम में इनको प्रेफर किया। हां नेहा तिवारी जी, CHONPS जो
जिस अरेंज, ये कोई ऑर्डर नहीं है, आपको जैसे लगे इसको आप याद रख सकते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर, आप इसको किसी भी ऑर्डर में, मींस ये कोई ऑर्डर सीरीज नहीं है, इससे पहले मैं ऑर्डर बता चुका हूं उनका करेंस का। पर क्वेश्चन अब मेरा ये है कि इन स्मॉल साइज के एलिमेंट्स या एटम्स को क्यों प्रेफर किया गया। वेरी गुड श्वेता, ग्रेटर सरफेस एरिया। थोड़ा सा मैं और इसको एक्सटेंड कर लेता हूं श्वेता, ग्रेटर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, थोड़ा इवोल्यूशन याद आ जाएगा, ठीक है, दैट्स गुड। यूलेन का यस, वेरी गुड, स्टेबल एंड टाइट बॉन्डिंग, दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड। यस भाग्यश्री, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। पूजा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है, आप सब लोग जवाब दे रहे हैं और ज्यादातर लोग सही जवाब दे रहे हैं, जिनको नहीं है वो भी देखें, देखो स्टूडेंट्स कितने अच्छे हैं, सबको पहले से पता है। वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड वेरी गुड। सो अब मैं भी यही बात कहना चाहता हूं कि स्मॉल एटम साइज को प्रेफर किया गया क्योंकि दे फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग एटम्स विच आर ऑफ स्मॉल साइज, दे फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। एंड वाई स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, बिकॉज द स्मॉल साइज मींस हायर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। ये आप इवोल्यूशन में ही पढ़ चुके हैं कि साइज जितनी स्मॉल होगी, इवन आपने इसको डेवलपमेंटोलॉजी में भी पढ़ा होगा कि साइज जितनी स्मॉल हो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा होता है। और बॉन्डिंग कब होती है? बॉन्डिंग तब होती है जब कोई एटम्स हैं वह आपस में इंटरेक्ट करेंगे, और इंटरेक्शन तो सरफेस को करना है, जितना ज्यादा सरफेस कॉन्टेक्ट में आएगा एज कंपेयर टू देयर वॉल्यूम देयर वुड बी मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। सो अभी के लिए बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो उसको और हम आगे लेकर चलेंगे। हाँ रेखा, बर्गमैन रूल याद आ गया आपको, प्रजक्ता आपको भी बर्गमैन रूल आ गया, वहां पर भी सेम कंसेप्ट था। ओके, ये सेम चीज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कई जगहों पर काम आती है। आप जब डेवलपमेंटोलॉजी पढ़ेंगे तब आप पढ़ेंगे कि ड्यूरिंग एंड अर्ली क्लीवेज डिवीजन एक एग छोटे छोटे सेल्स में कन्वर्ट होता था, और जैसे जैसे क्लीवेज के बाद जो ब्लास्टोमीट्स बनते हैं उनकी साइज छोटी है और उस दौरान सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ जाता है। इसको आप सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं, जब सेल साइकिल की बात करते हैं आप कहते हैं जी टू स्टेज के बाद एम फेज आती है, और एम फेज आने के बाद दो सेल बन जाते हैं, और सेल दो सेल्स जो बन गए जी टू के कंपेरिजन बात करेंगे तो उनका सर्फेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो वापस बढ़ जाता है। सो ये कई जगहों पर कंसेप्ट काम आता है, पर अभी हम बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। स्मॉल एटम्स की साइज हो तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा होता है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा है तो ज्यादा इंटरेक्शन होगा सरफेस पर, बॉन्डिंग है वह स्ट्रांग होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि दीज ऑल एलिमेंट्स दैट इज कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फॉस्फरस सल्फर, दीज ऑल एलिमेंट्स दे हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी, दे हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी टू फॉर्म 1, 2, 3 or even 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। हम आगे देखेंगे बॉन्डिंग के अंदर सिंगल बॉन्ड भी बना रहे होंगे, कुछ जगहों पर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तीन जगहों पर, और एक एटम चार जगहों पर, चार और किसी एटम के साथ बॉन्डिंग में भी इन्वॉल्व होगा। यस नेहा, एबंडेंस वाली बात अभी आगे डिस्कस करेंगे। हाँ, साइज स्मॉल है इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा, यहां तक हम सही बात है कह सकते। सो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, दे कैन फॉर्म 1, 2, 3 or 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, एंड दे हैव अ, वी कैन से दे हैव अ कैपेबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। सो ये तीन बातें याद रखी जा सकती है। पहली बात को मैं और लिख देता हूं, स्मॉल साइज इन एटम्स को क्यों या इन एलिमेंट्स को क्यों प्रेफर किया जाता है। पहली बात इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि इनकी साइज स्मॉल होती है, और स्मॉल साइज का ये फायदा है कि स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग होगी। दूसरी बात कि एक दो तीन या चार इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, उसके बाद मल्टीपल तरीके के बॉन्ड्स में ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो ये तीन हम कह सकते हैं मेजर रीजन है कि 26 जो एलिमेंट्स है उसमें से भी इन 6 एलिमेंट्स को बायोलॉजिकल सिस्टम में सबसे ज्यादा प्रेफर किया गया है।
यस नेल, मल्टीपल बॉन्ड्स, बिल्कुल ये बात, थर्ड पॉइंट बिल्कुल सही है। चलो आगे बात करते हैं। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, व्हाई लाइफ इज कार्बन बेस्ड नॉट सिलिकॉन बेस्ड। सिलिका तो हमारे आसपास खूब है, जैसे अभी किसी ने कहा था कि एबंडेंट एबंडेंस है, तो एबंडेंस तो सिलिका है हमारे चारों तरफ, पर लाइफ सिलिका बेस्ड नहीं है, लाइफ इज कार्बन बेस्ड। व्हाई? सो द आंसर इज कार्बन कार्बन बॉन्ड इज मोर स्टेबल, क्योंकि कार्बन और सिलिका दोनों सेम ग्रुप में लाई करते हैं, इसलिए टेट्रावेलेंसी दोनों जगहों पर है, बट कार्बन कार्बन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अ बॉन्डिंग ऑफ अ सिलिका विद अ सिलिका एंड स्पेशली इन वॉटर, और वो एक्यूरेटली वी कैन से इन अ एक्वस एनवायरमेंट। नाउ वापस आपके दिमाग में सेम आंसर आना चाहिए कि कार्बन कार्बन ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्यों है, क्योंकि स्मॉल एटॉमिक साइज है, वह मल्टीपल तरीके के बॉन्ड्स बना सकता है, एक दो तीन या चार इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर सकता है, कार्बन के अंदर कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, सो मोर स्टेबल इन वॉटर हैविंग अ कैटिनेशन प्रॉपर्टी, टेट्रावेलेंसी, स्मॉल साइज ड्यू टू अ स्मॉल साइज मीन्स अ लेसर सरफेस, वी कैन से स्मॉल साइज मीन्स मोर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, सो ये सारे रीजन है व्हाई लाइफ इज कार्बन बेस्ड। नाउ अगेन अ क्वेश्चन कि अगर लाइफ सिलिकॉन बेस्ड होती तो क्या होता, इफ लाइफ वुड हैव बीन अ सिलिकॉन बेस्ड देन, तो आंसर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, आवर एनवायरमेंट इन विच वेयर वी लिव इज एन ऑक्सीडेटिव एनवायरमेंट, एंड इन ऑक्सीडेटिव एनवायरमेंट द ऑक्सीडेशन दैट इज लाइसिस ऑफ बॉन्ड इज मोर फेवरेबल, सिलिका सिलिका की बॉन्डिंग वैसे ही वीक होती और ऊपर से ऑक्सीडेटिव एनवायरमेंट होता, तो जैसे एस सिंह ने बताया दे वुड हैव बीन नॉट अ स्टेबल, ऐसे लाइफ फॉर्म स्टेबल नहीं होते, और सोचो इन सिलिका के बने हुए क्रिएचर्स को पानी में डाल दो तो वैसे ही बॉन्डिंग बहुत वीक, और फर्दर सिलिका के बने हुए स्ट्रक्चर को वॉटर में ऐड करने के बाद क्या होता आप इमेजिन कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट बात वही है जो सोनाली कह गोयल कह रही है कि फिर ऐसी फॉर्म ज्यादा स्टेबल नहीं होती, देव मिश्रा बॉन्ड होते पर बॉन्ड वीक होते और स्टेबल नहीं होते। यस संगीता बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप, देयर वुड हैव संगीता ज्यादा चांसेस होते हैं कि ऐसे बॉन्ड्स डिसॉल्व होते, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। सो तनवीर हम ये कह रहे हैं कि अगर सिलिका बेस्ड लाइफ होती तो ऑक्सीडेटिव एनवायरमेंट के अंदर एक तो बॉन्ड्स आसानी से ब्रेक डाउन होते, और दूसरा अगर एक्वस एनवायरमेंट, क्योंकि सेल में सभी जगह पर एक्वस एनवायरमेंट है, वॉटर की प्रेजेंस में इस तरीके के स्ट्रक्चर जहां जो सिलिका सिलिका के बने होते उनको स्टेबलाइज करके नहीं रखा जा सकता था। चलो आगे बात करते हैं,
Now, another question may come in your mind that why elemental composition of life do not match with earth crust. Earth crust का मतलब वह जगह जहां हम रहते हैं, जहां हम रहते हैं अर्थ की सरफेस पर, उसका एलिमेंटल कंपोजिशन और एलिमेंटल कंपोजिशन लाइफ का हम देख चुके हैं डिफरेंट है. जैसे अर्थ क्रस्ट में देखें तो हमारे पास ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, दीज आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स. दैट इज द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट ऑन अर्थ क्रस्ट. और इसके कॉन्ट्रास्ट, ये अर्थ क्रस्ट की बात है, इसके कॉन्ट्रास्ट बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करें तो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर व्हाट यू गेट इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर. व्हाई देयर इज मिसमैच? सो वेरी गुड संगीता, यस रोई वेरी गुड, श्वेता बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं. तो यहां पर अब जो नीलेश सर ने आपको पढ़ाया है और उनके साथ जो मिलकर आपने पढ़ा है वो वाला ज्ञान काम आएगा, वह नॉलेज काम आएगी. यस अंजलि बिल्कुल बिल्कुल. तो क्वेश्चन समझ में आया ना कि हमारे आसपास सिलिका, एल्युमिनियम, फेरस, कैल्शियम ये चीजें ज्यादा है, पर बायोलॉजिकल सिस्टम में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर ये ज्यादा है. मींस इसको थोड़ा और एक तरीके से देख सकते हैं कि लेट्स से कि कोई देयर इज वन पर्सन लिविंग इन अ पंजाब, पंजाब में कोई व्यक्ति रह रहा है और उसको खाने के लिए वीट, कॉर्न, मेज मतलब मक्का, गेहूं ये आसानी से उपलब्ध है, बट ही और शी इज मोर फॉन्ड ऑफ फिशेस, मछली उसको पसंद है, राइस भी उसको बहुत ज्यादा पसंद है. तो इसे क्या अंदाजा लगा सकते हैं? तो लॉजिक ही आना चाहिए कि डेफिनेटली ये पर्सन उस जगह से बिलोंग करना चाहिए जहां पर फिश आसानी से अवेलेबल होती हो, जहां पर राइस आसानी से अवेलेबल होती हो. यानी हमें इस नतीजे पर पहुंचना चाहिए कि ये ट्रेडिशनल पंजाबी नहीं है, माइग्रेंट है, ये डेफिनेटली उस जगह से आया है जहां पर फिश या राइस ज्यादा होती है. दैट कुड बी बंगाली, दैट कुड बी एनी वेयर फ्रॉम द कोस्टल रीजन. इट मे बी फ्रॉम उड़ीसा, इट मे बी फ्रॉम बंगाल, इट मे बी फ्रॉम तमिलनाडु, इट मे बी फ्रॉम एनी ऑफ द कोस्टल रीजन. यस रानी बिल्कुल सही कह रही है. तो यहां पर भी वही बात है कि हम जहां रह रहे हैं हमारे आसपास कार्ब, सिलिका, एल्युमिनियम, निकल, फेरस, कैल्शियम ये ज्यादा है, जबकि हमारे खुद के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर ज्यादा है. इसका मतलब डेफिनेटली हम सब जो आज अर्थ क्रस्ट पर रह रहे हैं वह यहां के ट्रेडिशनल इनहेबिटेंट्स रहने वाले नहीं है, हम माइग्रेंट्स हैं, हम या हमारे पूर्वज अर्थ क्रस्ट पर नहीं रहते. स्टार्टिंग में वो पहले कहीं और रहते थे और उस जगह पर रहते थे जहां पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ज्यादा होगा, कार्बन ज्यादा होगा. और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ज्यादा कहां होता है? ऑब्वियसली वाटर में. यस, सो कंक्लूजन इज द लाइफ हैज नॉट ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ क्रस्ट, लाइफ हैज ओरिजिनेटेड इन असम एक्वेटिक वाटर बॉडी नियर असम एक्वेटिक पूल और इन एक्वेटिक पूल, वहीं पर ओरिजिन हुआ. और स्टार्टिंग के जब अर्ली इवोल्यूशनरी स्टेप्स थे वो भी वहीं पर थे. इसके बारे में ज्यादा नहीं बताता हूं क्योंकि ये चीज आप काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ चुके हैं.
ऑपरिन हालदीन की थ्योरी पढ़ें या अभी जो मॉडर्न ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में नीलेश सर ने बताया उसके हिसाब से बात करें कि सबसे पहले कीमोजेनी हुई, कुछ मॉलिक्यूल्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए जिसे कीमोजेनी कहा जा सकता है, और वह कहीं पर एक्वेटिक सिस्टम के अंदर यहां पर कहीं पर हुआ। फिर कॉग्नोजेनी हुई, कई सारे जो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं आपस में एग्रीगेट हुए, और फिर उसमें कुछ मैकेनिज्म ऑफ हम कह सकते हैं डिविजन कैपेबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन आ गया जिसे हम बायोजेनी कहेंगे। सो द थिंग इज दैट कि इवन अप टू अ कैम्ब्रियन पीरियड द कंप्लीट लाइफ वाज लिमिटेड टू एन एक्वेटिक वर्ल्ड। समवेयर इन ऑर्डोविशन और थोड़ा लेट ऑर्डोविशन या साइलूरियन में आते आते कुछ ऑर्गेनिज्म ने हिम्मत की कि वह टेरिस्ट्रियल सरफेस की तरफ माइग्रेट हो सके, ऐसा आपने जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर पढ़ा होगा। So the thing is that we are not native of earth crust. Our ancestors, they were living somewhere else and later on they migrated to the terrestrial surface. Anjali, Miller ka experiment Nilesh sir ne bataya tha aapko, kyunki silica ne probably catalyst ki tarah kaam kiya hoga wahan par, inorganic catalyst ki tarah. Theek hai, to ye baat aap padh chuke hain. So kehne ka matlab ye hai ki jo elemental composition अर्थ क्रस्ट का और बायोलॉजिकल सिस्टम का मैच नहीं होता। क्यों नहीं मैच होगा भी कैसे? ओरिजिन लाइफ का एक्वेटिक सिस्टम में हुआ और बाद में लाइफ माइग्रेट कहां हुई? टू द टेरेस्ट्रियल सरफेस, साइलूरियन में आपने देखा होगा। ओके, सो देन कमिंग बैक टू वेरी बेसिक, देखो अंजलि मारू एक्वेटिक सिस्टम में सिलिका नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? आपको एक्सपेरिमेंट याद होगा कि एक्वेटिक सिस्टम के आप ओपन ओशन में ना जाएं, किनारे पर आएं उस एक्वेटिक ओशन के ऊपर जहां पर इस तरीके से छोटी जगह होती है जहां से पानी उड़ जाता होगा या नीचे सिलिका होगा। ये मेन ओशन यहां पर हुआ, इसके पास एक छोटा सा एक्वेटिक पूल है, वहां सिलिका होगा। खैर वो मेरा बात भी नहीं, इतनी ज्यादा मुझे इवोल्यूशन नहीं आता। सो अब हम आते हैं एटम के ऊपर। सो द बेसिक यूनिट ऑफ अ मैटर इज एटम, एंड स्ट्रक्चर देखें एटम का। एटम के सेंटर के अंदर देयर इज अ न्यूक्लियस और उसके सराउंडिंग के अंदर दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर देयर आर सम पार्टिकल्स जिनको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, एंड द न्यूक्लियॉन्स दो तरीके के होते हैं, दीज इंक्लूड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो एटम के स्ट्रक्चर को देखें तो उसके सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में दो तरीके के पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हैं, दीज इंक्लूड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और एटम के सराउंडिंग के अंदर इन सर्टेन शेल्स देयर आर इलेक्ट्रॉन्स, तो सराउंडिंग में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। सो एटम्स में हमें तीन चीजें याद रखनी, तीन चीजें क्या क्या याद रखनी है एटम के अंदर? न्यूक्लियस में दो तरह के पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और उसके सराउंडिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स। इज इट क्लियर? ज्यादा डिटेल्ड क्वांटम स्ट्रक्चर में हमें नहीं जाना, बहुत सिंपल सा तरीका है। न्यूक्लियस, सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस में दो तरह के पार्टिकल्स। गुड इवनिंग विकास, यस बायो कैफे, बिल्कुल। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने मिलकर न्यूक्लियस बनाया और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स। वापस पढ़ाई में ध्यान दें, हाँ ओके, आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा ये याद रखने वाली बात है कि एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, ये थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लें। The mass of one proton is 1.67 into 10 to the power minus 27 gram. इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1.67 into 10 to the power minus 24 gram, or you can say that 1.67 into 10 to the minus 27 gram. That is mass of one proton. And mass of one neutron is almost similar to mass of one proton. That is also
अब 1.67 इंटू 10^-27 ग्राम। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10^-31 किलोग्राम। सो 10^-24 ग्राम या 10^-27 किलोग्राम, ध्यान रखें, सॉरी। ओके, अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो लगभग 1840 इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ ऐड करें तो ये मिलकर 1 प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के बराबर हुए। कहने का मतलब यहां पर सिंपल सी इतनी सी है कि एक इलेक्ट्रॉन लगभग एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से 2000 टाइम्स स्मॉलर होता है। मास ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन और अ मास ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, अगर 1840 इलेक्ट्रॉन मिल भी जाएं तो वो सब मिलकर एक प्रोटॉन के बराबर होंगे, और ऐसा कभी होगा नहीं कि 1840 इलेक्ट्रॉन हो जाए, क्योंकि अगर हम 120 एलिमेंट भी मान लें तो वहां पर मैक्सिमम 120 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। 120 इलेक्ट्रॉन्स का भी मास मिलाकर अगर ऐड भी करें तो वह एक प्रोटॉन के बराबर नहीं होता। कहने का मतलब यह कि प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के आपस में मास को कंपेयर करें तो बहुत माइनर डिफरेंस है। बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से हम मान सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक जैसे हैं, पर एक नहीं है। अगर मोर एक्यूरेटली देखें तो मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.6726 एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.6749, दैट इज अ माइनर डिफरेंस। खैर, इस डिफरेंस को हम इग्नोर कर सकते हैं, ये तो बाल की खाल निकालने वाली बात हुई। खैर, प्रोटॉन के चार्ज की बात करें, जिसको हम पॉजिटिव, प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज और चार्ज को कूलाम में मेजर किया जाता है, और एक प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10^-19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन में भी उतना ही चार्ज होता है, लेकिन प्रोटॉन में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन में सिमिलर कूलाम में चार्ज है, पर चार्ज इज नेगेटिव। न्यूट्रॉन नाम से ही पता चल रहा है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। तो दो बातें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज लगभग बराबर। जब हम मास की बात करेंगे, एटम के मास की बात करेंगे, तब हम सिर्फ न्यूक्लियस पर ध्यान देंगे। एटॉमिक मास की बात करेंगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर ध्यान देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल। और जब चार्ज की बात होगी एटम के ऊपर, तो हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर ध्यान देंगे, न्यूट्रॉन पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इज नेग्लिजिबल। इज इट क्लियर? आगे बात करते हैं हम। सो ये तो याद रखने वाली बात थी। अब नाउ मूविंग टू वेरी सिंपल थिंग, व्हाट इज एन एटॉमिक नंबर? So, atomic number, in simple words, we can say that it is an identity of atom. जैसे एक class के अंदर students को roll number allot किए जाते हैं जो उनकी identity हो सकती है, ऐसे ही जब elements को periodic table पर arrange करना हो तो उन्हें एक identity दी जाती है, और वह identity एक unique क्राइटेरिया पर होनी चाहिए, और वो यूनिक क्राइटेरिया क्या है, सभी लोग लिख रहे हैं, वेरी गुड। सो एटॉमिक नंबर, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ
प्रोटॉन्स. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एटम के अंदर एक प्रोटॉन है, नॉर्मल हाइड्रोजन एटम की हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर एक प्रोटॉन है, जीरो न्यूट्रॉन है और वन इलेक्ट्रॉन है. सो क्योंकि वहां पर वन प्रोटॉन है इसलिए उसका एटम नंबर क्या होगा, वन. सो इन अ शॉर्ट एटॉमिक नंबर डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन. द रीजन कंसिडरिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज दैट इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंजेस द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट विल चेंज. आगे हम देखेंगे न्यूट्रॉन के नंबर चेंज होने पर आइडेंटिटी में चेंज हो जरूरी नहीं है, इलेक्ट्रॉन के नंबर चेंज होने पर उनकी आइडेंटिटी में चेंज हो कोई जरूरी नहीं है. प्रोटॉन एक ऐसा क्राइटेरिया है जो कि एक क्लियर तरीके से एटम की आइडेंटिटी दे सकता है. गुड रिया, यस गुड स्वाति. इस तरीके से आप देखेंगे कार्बन एटम, कार्बन एटम के अंदर देयर आर सिक्स प्रोटॉन, देयर आर सिक्स लेट से न्यूट्रॉन एंड लेट से देयर आर सिक्स इलेक्ट्रॉन. क्या एटॉमिक नंबर होगा? हालांकि इनमें से आप कोई भी क्राइटेरिया इस्तेमाल करें, कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर कितना आएगा? सिक्स. कार्बन की एक और फॉर्म हो सकती है जैसे लेट से C13, जिसके अंदर प्रोटॉन्स सिक्स है, न्यूट्रॉन सेवन है, लेट से इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में सिक्स है. तो यहां पर भी एटॉमिक नंबर कितना होगा? सिक्स. सो कार्बन है तो कार्बन हैज टू बी सिक्स. अगर वो एटॉमिक नंबर सेवन होता तो फिर वो कार्बन होता ही नहीं, फिर वह न्यूट्रॉन होता. यह स्वाति बिल्कुल सही है, बिल्कुल पंकज सिक्स, बिल्कुल मोनिका वेरी गुड सिक्स, बहुत अच्छी बात है. सो जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जितने भी एटम्स हैं उनको एटॉमिक नंबर के हिसाब से ही अरेंज किया गया है. आज हमारी ये बहुत इंट्रोडक्टरी क्लास है, आपको लग सकता है कि बहुत मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं, पर वापस जिनको ज्यादा केमिस्ट्री आती है उनके लिए क्लास यूजफुल नहीं है. ये आप जैसे और मेरे जैसे लोगों के लिए क्लास है जिनको केमिस्ट्री नहीं आती. मुझे भी केमिस्ट्री नहीं आती, आपको भी केमिस्ट्री नहीं आती, हम दोनों मिलकर हमारी बायोकेमिस्ट्री को स्ट्रांग कर रहे हैं. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डिटेल में बायोकेमिस्ट्री आ सकती है, वो तो मतलब एटम के अंदर एंटी न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो तक पहुंच जाएंगे, हम उनका पीछा नहीं कर पाएंगे. हम बहुत बेसिक चीजों पर ध्यान रखना, हम ज्यादा डिटेल में हमें बायोकेमिस्ट्री नहीं चाहिए. थैंक यू खान इनाम. वापस मैं बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूं, हमें ज्यादा हाई फाई बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़नी है. ओके चले आगे चलते. तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया, व्हाट इज एटॉमिक नंबर. सो एटॉमिक नंबर इज एन आइडेंटिटी ऑफ एन एटम, द आइडेंटिटी ऑफ एटम डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन. ओके सो किसी भी एटम के अंदर, किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वह उसका एटॉमिक नंबर होगा. हमें केमिस्ट्री पढ़नी नहीं है, हमें बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है, और अब टेंशन ही मत लो, हमें इतनी ही केमिस्ट्री पढ़नी है जितनी मुझे आती है, मैं उतनी तो पढ़ा पाऊंगा. ओके और जितनी मुझे आती है उतनी आपको आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है. थोड़े टाइम के अंदर अगर मुझे केमिस्ट्री आ सकती है तो आपको भी केमिस्ट्री आएगी, स्पेशली उतनी केमिस्ट्री जरूर आएगी जो बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए जरूरी है. ओके अब तक तो बात समझ में आई ना, हम अब तक हमने बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़ी. हमने मैटर के बारे में बात की है, फिर एलिमेंट्स के बारे में, फिर एटम्स के बारे में, फिर कुछ क्वेश्चंस की बात की हमने कि सारे एलिमेंट क्यों नहीं होते, छह एलिमेंट क्यों होते हैं, कार्बन एलिमेंट क्यों ज्यादा प्रेफर किया गया, यहां तक की बात की सिलिका बेस्ड लाइफ होती तो क्या होता, यहां तक हमने डिस्कशन किया. फिर हम एटम के स्ट्रक्चर पर आ गए कि एक्चुअली ये एटम बला क्या है. तो हमने देखा कि न्यूक्लियस है और सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स है, और एटम की आइडेंटिटी एटॉमिक नंबर है. सो तीन मिनट में हम सारी चीजें रिवाइज कर ली अब तक जो हमने पढ़ी है. ठीक है आगे बढ़ते हैं. देन व्हाट इज एटॉमिक मास. अब दूसरा, अब तक हमने बात की एटॉमिक नंबर के बारे में, अब हम बात कर रहे हैं एटॉमिक मास के बारे में.
सो वेरी गुड अंजलि देवव्रत, बिल्कुल सही, गुड गुड। सो ये बात भी, इसका मतलब ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता है क्योंकि बहुत बेसिक चीजें हैं। एटॉमिक मास बेसिकली इज अ मास ऑफ न्यूक्लियस। बेसिकली न्यूक्लियस में अभी हमने पढ़ा देर आर न्यूक्लियॉन्स, और दो तरह के न्यूक्लियॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स प्लस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, तो यस अजय, बिल्कुल सही। सो डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो एटॉमिक मास बेसिकली मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन न्यूक्लियस, एंड दिस मास इज बेसिकली ड्यू टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड ड्यू टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। वाई नॉट इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स ने आपका क्या बिगाड़ा, उसको मास में क्यों नहीं गिना, उससे क्या दुश्मनी है? ये बात तो सही है ना। विश्वरूप, हम आ गए एटॉमिक मास यूनिट एएमयू के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, टेंशन मत लो। जब हम डाल्टन कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे तो एएमयू भी पढ़ेंगे हम, ठीक है? वो एक रिलेटिव मास की बात करेंगे हम। हाँ, हमारा ये कि मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन न्यूक्लियस, पर न्यूक्लियस के सराउंडिंग में स्ट्रक्चर में उन्होंने देखा इलेक्ट्रॉन्स भी है, पर इलेक्ट्रॉन्स को हम इंक्लूड नहीं करते। नहीं प्रियंका, दोनों सेम नहीं है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। थिंग इज दैट जैसा मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन मास इज नेग्लिजेबल एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। यस श्वेता, बिल्कुल सही कह रही है। यूलेंका, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। थैंक यू आसना खुर्शीद। यस बिल्कुल मोनिका, हाँ जेनिफर, नंबर सेम होते हैं पर हम मास की बात करें, मास जब हम मास की बात करते हैं तब हम इलेक्ट्रॉन्स को इग्नोर कर रहे हैं। और क्यों इलेक्ट्रॉन को इग्नोर कर रहे हैं? क्योंकि अभी हमने देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन का मास लगभग एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से 1840 1840 टाइम्स कम होता है। द मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज 1840 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली लेसर देन द मास ऑफ वन प्रोटॉन और मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। यस अंजलि, हाँ प्रियंका, बिल्कुल मैं आई गॉट योर पॉइंट, बिल्कुल सही है, नंबर सेम है बट मास इज नेगेटिव। यस प्रियंका, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। सो एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे डिपेंड करता है, एटॉमिक मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के साथ साथ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इंक्लूड किया जाता है, यानी जो भी न्यूक्लियॉन से न्यूक्लियस में उसको इंक्लूड किया जाता है। हम इलेक्ट्रॉन्स को इंक्लूड नहीं करते क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को अब इंक्लूड भी करें, पुट भी करें, तो उससे मास में कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा। इज इट क्लियर? तो ये बात हुई हमारी एटॉमिक मास के बारे में। नाउ कमिंग टू अनोदर क्वेश्चन, व्हाट आर आइसोटॉप्स? एटॉमिक नंबर के बारे में बात की हमने, एटॉमिक मास के बारे में बात की, अब हम बात कर रहे हैं व्हाट आर आइसोटॉप्स। हाँ आदिल रशीद, बिल्कुल सही बात है, गुड, योर केम आई थिंक केमिस्ट्री इज वेरी स्ट्रांग, दैट्स गुड गुड। हाँ पूजा, बिल्कुल सही है। यस यस कृष्णा, बिल्कुल वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सेम एटॉमिक नंबर, बिल्कुल प्रियंवदा बबली, गुड। नेहा, यस वेरी गुड वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड। बस आप इसी तरीके के साथ बने रहे, बहुत मजा आ रहा है आपको पढ़ाने में, दैट्स व्हाट आई नीड, आप पढ़ कर रखें सब चीजें। अंजलि, आपका आईएफएस से कोई लेना देना जरूर है, बिल्कुल सही जवाब दिया, गुड गुड।
Very good. So, as its name suggests, iso means same, top means positions. In other words, we can say that different forms of same atom, and obviously since it is the same atom, so they will occupy same position. But if they are same atom, then why we are using a term different? What we mean by different forms? They are same atoms means they have a same atomic number, because the identity of an atom is atomic number. Atomic number depends upon the number of protons. So we can say that these are the different forms which will have same atomic number, they will have same number of the protons. But then what would be the different? So the second thing which would be different is different number of neutrons. And as you know that atomic mass depend upon neutrons as well as protons. So if there is a difference in the neutrons, then there also would be a different atomic mass. So now you can define it in multiple ways, that the isotopes are the different form of same atom which has same number of protons. In other words, they have same atomic number, but they have a different atomic mass. Why they have a different atomic mass? Because although proton number is same, but there is a variation in the number of neutrons. Yes. So these are the multiple ways how you can define the isotopes. So isotopes, since they have same number of protons or they have same atomic number, so they will occupy a same place in a periodic table, because in modern form of periodic table, the atoms, they are arranged according to atomic number. Periodic table mein atoms ko atomic mass ke hisab se arrange nahi kiya gaya, modern form mein atomic number ke basis par arrange kiya gaya. So that's why they are occupying a same position. Okay, so isotopes which has same atomic number but different atomic mass. Is it clear? For example, diagram ke andar yahan par hydrogen atom ke teen different forms ko represent kiya gaya. All three are a hydrogen atom, but they are different form of hydrogen atom. One is normal hydrogen atom, also referred to as protium. That is, you can say 1H1. Another is 2H1. This is 3H1. That is protonium, deuterium and tritium. All are hydrogen atom. Means subscript mein aapko atomic number likhne ki zarurat nahi hai. Hydrogen hai, तो उसका एटॉमिक नंबर 1 ही होगा, क्योंकि अगर एटॉमिक नंबर 1 की बजाय 2 होता तो फिर वो हाइड्रोजन ही नहीं होता, फिर वो हीलियम होता. सो जनरली जो वेरिएशन आ सकता है एटम की डिफरेंट फॉर्म्स में, वह एटॉमिक मास के अंदर आ सकता है. सो सुपरस्क्रिप्ट के फॉर्म में हम एटॉमिक मास लिखेंगे. सो इन तीनों में से किसी भी हाइड्रोजन की फॉर्म की बात करें तो प्रोटॉन वुड बी 1, बट न्यूट्रॉन की बात करें here there would be 0 neutron. Yahan par deuterium mein 1 neutron hai, tritium ke andar, tritium ke andar 2 neutrons hai. So mass bhi aap calculate kar sakte hain. Normal hydrogen ke andar 1 plus 0 will come out to be 1, deuterium ke andar 1 plus 1 the mass will come out to be 2, atomic mass will come out to be 2, tritium ke andar 1 plus 2 the atomic mass will come out to be 3. Is it clear? Yes, रीना बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. So, जैसे रीना ने कहा, हम C12, C13, C14 लिखते हैं.
या हमें सिक्स लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर हमें सिक्स लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर सिक्स लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर कार्बन है तो उसकी आइडेंटिटी सिक्स ही होगी, उसका एटॉमिक नंबर सिक्स ही होगा। अगर वहां पर सेवन लिख देंगे तो फिर वो कार्बन रहेगा ही नहीं। ओके, सो वेरिएशंस एस्टॉप में वेरिएशंस कहां पर होता है? उनके एटॉमिक मास के अंदर। और क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर सेम है, इसलिए वी विल से दैट दीज आर द फॉर्म ऑफ सेम एटम। तो है ना, एटम तेरे कितने रूप, जितने भी ये फॉर्म्स हैं एटम के, इनको हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। सो आइसोटोप को हम डिफाइन बहुत सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं, आइसोटोप्स दे हैव अ सेम एटॉमिक नंबर बट अ डिफरेंट एटॉमिक मास। यस ऐश्वर्या, बिल्कुल यही मैंने भी कहा अभी। विषय रूप में तो अब इतनी कहां पढ़ेंगे कि हम कि हमें आइसोटोप को कैसे सेपरेट करना है। कुछ सोचो, दिमाग लगाओ, रिसर्च माइंड लगाओ, आइसोटोप में वेरिएबल पैरामीटर क्या है तो पता चलेगा। एटॉमिक मास, मास के बेसिस पर कोई टेक्निक इस्तेमाल करो जरूर आप। आइसोटॉप्स, चाहे वो नॉर्मल आइसोटॉप है आदिल या रेडियो आइसोटॉप्स है, दे आर द डिफरेंट अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ सेम एटम। ओके, चलो आगे बात करते हैं। तो आदिल ने जैसे कहा उसी की बात को हम आगे चलते हैं। नाउ नॉर्मल आइसोटॉप्स की हमने बात की, व्हाट आर रेडियो आइसोटॉप्स? रेडियो आइसोटॉप में एक बात तो क्लियर होनी चाहिए कि वो आइसोटॉप तो है ही। हाँ अंजलि, बिल्कुल आपको समझ आ गया, पर अभी हमें इस रेडियो आइसोटॉप्स को डिस्टिंग्विश करने की जरूरत नहीं है। मास स्पेक्ट्रम और कई सारे टेक्निक्स है, पर अभी हम इतना कहां डिटेल में बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, अभी एक बेस बिल्ड कर रहे हैं फ्रेमवर्क लेवल पर। यस, सरला ने बिल्कुल सही बात कही, हालांकि बाकी सब भी सही कह रहे हैं, अनस्टेबल होते हैं बिल्कुल, फ्यूजन फ्यूजन न्यूक्लियस अनस्टेबल, रेडियो एक्टिव डीके होते हैं बिल्कुल। सो इन अदर वर्ड्स, द इन सिंपल वर्ड्स व्हाट वी कैन से दैट आइसोटॉप्स यानी एटम की वह फॉर्म जो बाहर की तरफ रेडिएशंस एमिट करे, दैट कुड बी अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, फ्यूजन पार्टिकल्स एटसेट्रा, जो बाहर की तरफ रेडिएशंस को एमिट करे, एटम की ही फॉर्म। जैसे हाइड्रोजन एटम की हमने बात की ना, हाइड्रोजन एटम का एक फॉर्म ये हो सकता है, हाइड्रोजन एटम की सेकंड फॉर्म ये हो सकती है, हाइड्रोजन एटम की थर्ड आइसोटोपिक फॉर्म ये हो सकती है। बिल्कुल करिश्मा, वेरी गुड, शाबाश। हाँ बिल्कुल पुष्पावती, रेडियो आइसोटोप भी हैवी आइसोटोप है, पर हर हैवी आइसोटोप रेडियो आइसोटोप नहीं होगा, अभी हम इस कंक्लूजन में पहुंचेंगे। हैवी आइसोटोप मींस which is having a more atomic mass as compared to the most common naturally occurring form of an atom. Chalo. Ab ye different forms hai, par kya ye sari forms bahar ki taraf radiations emit karegi? Hum kahenge ye normal form hai, ye se heavier hai, ye aur bhi zyada heavy hai. Par aap dekhenge ye form jo bahar ki taraf radiations emit karti hai, use radio isotope kaha jayega. Bilkul Aditi, bilkul tritium. C12 उससे थोड़ा और हैवियर आइसोटॉप C13 हो सकता है, उसका और हैवियर आइसोटॉप C14 हो सकता है। तो क्या तीनों ही फॉर्म रेडिएशन एमिट करती है? पता चलेगा कि नहीं। दिस फॉर्म, दिस आइसोटॉप ऑफ अ कार्बन, इट एमिट्स अ रेडिएशन। सो इन अदर वर्ड्स, एक एटम की कई सारी फॉर्म्स नेचर में हो सकती है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एन एटम्स आर रेफर टू एज आइसोटॉप्स, और इनमें से कुछ इस तरीके की फॉर्म भी हो सकती है जो जहां कहीं भी प्रेजेंट है वहां से बाहर की तरफ रेडिएशंस एमिट करे, और जो बाहर की तरफ रेडिएशंस एमिट करते हैं ऐसे आइसोटॉप को रेडियो आइसोटॉप्स कहते हैं। गुड रोहिणी, यस विकास, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो देयर आर सम हैवियर आइसोटॉप्स of an atom which emits radiations, और आइसोटॉप की उन फॉर्म्स को रेडियो आइसोटॉप्स कहा जाएगा। हाँ देव मिश्रा, ऐसा जनरलाइज रूल नहीं बना सकते, क्योंकि कुछ जगहों पर लेसर देन वन है वहां पर भी एमिशन हो सकता है, हम इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहे हैं चीजों को। तो बात यह है कि ऐसा इनके साथ क्या बुरा हो रहा है कि ये बाहर की तरफ रेडिएशन से एमिट कर रहे हैं, बाहर की तरफ एनर्जी लिबरेट कर रहे हैं। द थिंग इज दैट देर आर, इन अदर वर्ड्स वी कैन से देर आर सम
forms of an atom which has an unstable nucleus. There are forms of an atom which has unstable nucleus. Yes, Sumitra, bilkul. हाँ विनीत, बिल्कुल यही बात. हाँ सुमित, बिल्कुल काविरी, आते हैं उस बात पर. यस पिंटू, बिल्कुल बिल्कुल, गुड गुड. आप सबकी पता है बायोकेमिस्ट्री मुझसे भी स्ट्रांग है. जब मैंने कभी एमएससी कर रहा था, मेरी बायोकेमिस्ट्री इतनी स्ट्रांग थी नहीं. यू ऑल आर चैंपियंस. आप सीएसआर एग्जाम, गेट एग्जाम, सभी एग्जाम को आप क्रैक करेंगे, देखना. डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है डीबीटी जेआरएफ का फॉर्म भी आज से अवेलेबल है, ठीक है? तो सीएसआर नेट का फॉर्म भी आप भर सकते हैं, डीबीटी जेआरएफ का फॉर्म भी आपको भरना है, और आईसीआर का एक फॉर्म भी आ रखा है. जो आईसीआर के लिए आप एलिजिबल है वो फॉर्म भरें, ठीक है? तो और जो हमारी यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सभी एग्जाम के लिए काम आएगी. सीएसआर के लिए भी काम आने वाली है, ये डीबीटी जेआरएफ के लिए भी काम आने वाली है. उसका फॉर्म भी अवेलेबल है, आज से फिल कर सकते हैं. और आईसीआर के लिए अगर आप एलिजिबल हैं, आप देख लें उस क्राइटेरिया में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, उनके लिए भी आईसीएआर जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के लिए नेट भी होती है, उसमें आप साइंटिस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. आप देख लीजिए आप उस क्राइटेरिया में आ रहे हैं नहीं आ रहे. खैर, हम ये बात कर रहे थे, व्हाट आर रेडियो स्टॉप्स. तो देर आर सम आइसोटॉप्स विच हैज एन अनस्टेबल न्यूक्लियस. एंड कोई भी अनस्टेबल होगा, चाहे आप अनस्टेबल हो चाहे मैं अनस्टेबल हूं, every system will have a tendency to achieve a stability. That is, every system from an unstable state, it will move to a stable state. So, unstable nucleus, it want to achieve stability. Stability ko achieve kaise kare? So, we will say that it start emitting radiations. और अनस्टेबल न्यूक्लियस का मतलब देयर इज डिसइक्विलिब्रियम अमंग न्यूक्लियॉन्स. जैसे घर के अंदर अगर दो ग्रुप हो और दोनों बराबर बैलेंस स्टेट में हो तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम है. ओके, मम्मी और मैं एक तरफ हो गए और पापा और मेरी सिस्टर एक तरफ हो गई, घर में रहने वाले बैलेंस स्टेट है, इक्विलिब्रियम कंडीशन. ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर देयर आर प्रोटॉन्स एज वेल एज न्यूट्रॉन्स, और उनके नंबर लगभग बराबर हैं. वी विल से दैट दिस इज एन इक्विलिब्रियम स्टेट. अगर प्रोटॉन एक्सेस में होने लग जाए या न्यूट्रॉन एक्सेस में हो, उस दौरान ये जो इक्विलिब्रियम है वो गड़बड़ा जाता है. तो वह बाहर की तरफ रेडिएशन एमिट करते हैं, कुछ फ्यूजन पार्टिकल्स एमिट करते हैं, पर कुछ भी एमिट करे, पर्पस यह है कि वह स्टेबिलिटी को अचीव करे. रेडिएशंस एमिट करने पर उनमें स्टेबिलिटी आ जाती है. नाउ किस किस तरीके के रेडिएशंस एमिट कर सकते हैं? तो ऐसे सारे रेडियो आइसोटॉप्स जिनमें अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, वो रेडियो एक्टिव डीके करते हैं, उनका न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है, वह बाहर की तरफ अल्फा रेस, बीटा रेस या गामा रेस, और थोड़ा और डिटेल में जब हम यूनिट 13 की बात करेंगे, जब हम रेडियो एक्टिविटी को डिटेल में पढ़ेंगे वहां पर, तो हम फ्यूजन पार्टिकल्स के बारे में भी बात करेंगे. एंड देयर आर वेरियस अदर वेज ऑफ द न्यूक्लियर डीके. पर अभी हम क्योंकि बेसिक बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अभी सिर्फ इतना बहुत है कि तीन तरीके के पार्टिकल्स जनरली एमिट होते हैं. आइदर दीज वुड बी अल्फा पार्टिकल्स, रूपेश आईसीएआर की बात कर रहा हूं, एग्रीकल्चर रिक्रूटमेंट की बात कर रहा हूं, मेडिकल रिस्क की बात नहीं कर रहा, ठीक है? हम आगे बात कर रहे हैं. सो जब कभी भी अल्फा डीके होगा, अल्फा डीके के दौरान जो पार्टिकल बार की तरफ एलिमेंट बार की तरफ रिलीज होता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू अन हीलियम न्यूक्लियस. उस दौरान एटॉमिक मास के अंदर
फोर से चेंज आएगा, एटॉमिक नंबर के अंदर टू से चेंज आएगा। जब कभी भी बीटा डीके होगा उस दौरान एटॉमिक मास विल इंक्रीज बाय वन एंड एटॉमिक नंबर सॉरी एटॉमिक मास विल रिमेन सेम एंड एटॉमिक नंबर विल इंक्रीज बाय वन। अब वो डिपेंड करता है प्लस वन होगा या माइनस वन होगा, वो डिपेंड इस बात पर करता है कि हम पॉजिट्रॉन या नेगेट्रॉन डीके की बात कर रहे हैं। बीटा डीके और बीटा डीके में भी हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं यानी नेगेट्रॉन डीके की बात कर रहे हैं, और जब कभी नेगेट्रॉन डीके होगा तो एटॉमिक नंबर इट विल इंक्रीज बाय वन। गामा डीके जब कभी भी होगा उस दौरान न तो एटॉमिक मास में चेंज आएगा न ही एटॉमिक नंबर में चेंज आएगा, सिंपली जो एक्सेस एनर्जी है वह रिलीज होगी। सो रेडियो आइसोटोप्स का, क्योंकि न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है इसलिए स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए वह डिसइंटीग्रेट या डीके करते हैं, ठीक है। उस दौरान अल्फा पार्टिकल एमिट होते हैं तो मास में चार से चेंज आता है, नंबर में दो से चेंज आता है। बीटा डीके वो भी नेगेट्रॉन तरीके का हो तो मास में कोई चेंज नहीं आता, एटॉमिक नंबर वन से इंक्रीज हो जाता है। गामा एमिशन हो तो उस दौरान एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास सेम रहते हैं। और आगे हम पढ़ेंगे कि एनर्जी के हिसाब से बात करें तो सबसे ज्यादा एनर्जी गामा रेज में, उससे कम एनर्जी बीटा और उससे भी कम अल्फा रेज में। पेनिट्रेशन पावर की बात करें, म्यूटाजेनिक प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर, सबसे ज्यादा म्यूटेशनल एबिलिटी गामा रेज में होती है। चलो मैं वापस कह रहा हूं कि जो रेडियो एक्टिव डीके है वह तीन तरीके का हो सकता है, अल्फा बीटा एंड गामा। अब आ रही है साउंड? यहां से बिल्कुल सही बता रहा है नेटवर्क। हाँ, रेडियो एक्टिव डीके तीन तरीके का हो सकता है, अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके। डिपेंड करता है कि उनमें अनस्टेबिलिटी का कारण, जब हम आगे रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे डिटेल में तो ये चीज और क्लियर होगी। अभी सिर्फ इतना सा कि अगर न्यूक्लियस में डिसइक्विलिब्रियम हो जाए तो न्यूक्लियस टूटता है, डीके करता है, और जब कभी न्यूक्लियस डीके करता है तो कुछ पार्टिकल न्यूक्लियस से बाहर एमिट होते हैं जिसको हम पहचान सकते हैं अल्फा बीटा और गामा रेज, और इन पार्टिकल्स बाहर की तरफ एमिट होने की वजह से अब न्यूक्लियस में स्टेबिलिटी अचीव होती है, ठीक है। कैसे अगर बात करें तो अगर हम कार्बन 14 C14 के बारे में लेट्स से बात करें, कार्बन 14 के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 है, ये तो ना इंसाफी है क्योंकि न्यूट्रॉन्स दे आर मोर एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब इसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा, और अनस्टेबल होगा इसका मतलब रेडिएशन बाहर की तरफ एमिट करेगा। ऐसा एटम आराम से पहचान लिया जाता है, वो छुपा हुआ ही नहीं रहता जिसका न्यूक्लियस अनस्टेबल है, क्योंकि वो बाहर की तरफ क्या एमिट करता है, रेडिएशन। इसलिए इनको ट्रेसर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है बिकॉज दे रिव्यूज देयर ओन पोजिशन वेर एवर दे आर प्रेजेंट फ्रॉम देयर दे आर गोइंग टू एमिट द रेडिएशन। पर फायदा क्या हुआ तो कपिल देखो अंजलि, फायदा क्या हुआ हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, एक्सेस जो न्यूट्रॉन है वह एक एक्सेस न्यूट्रॉन स्प्लिट होता है, ब्रेक होता है, क्योंकि जो ज्यादा होगा ऑब्वियसली वही ब्रेक डाउन होगा। न्यूट्रॉन ब्रेक डाउन होने के बाद पीछे न्यूट्रॉन बच जाएंगे, दैट वुड बी 7, और जो एक न्यूट्रॉन स्प्लिट हुआ दैट हैज स्प्लिटेड इनटू लेट्स से
वन पॉजिट्रॉन विच हैज अ कंप्लीट मास एज वेल एज पॉजिटिव चार्ज एंड वन नेगेट्रॉन विच हैज जीरो मास एंड माइनस चार्ज. और साथ में कोई जब कभी एक न्यूट्रॉन स्प्लिट होता है तो साथ में कोई एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल भी लिबरेट होता है. अभी हमारे लिए ये कोई काम की बात नहीं. सो एक न्यूट्रॉन जो ज्यादा था वह ब्रेक डाउन हुआ और एक न्यूट्रॉन के ब्रेक डाउन होने से आप ये मान लें कि एक पॉजिट्रॉन और एक नेगेट्रॉन बना. पॉजिट्रॉन हैज एन एंटायर मास ऑफ अ न्यूट्रॉन एंड हैज अ पॉजिटिव चार्ज एंड रिमेन्स इन न्यूक्लियस. तो ये पॉजिट्रॉन जिसके पास कंप्लीट मास है और पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब ये तो एक प्रोटॉन के बराबर है. इसका मतलब क्या हुआ, एक प्रोटॉन बढ़ गया. तो न्यूट्रॉन से स्प्लिट होकर एंटायर मास वाला पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रहा विच इज इक्विवेलेंट टू अ प्रोटॉन इज नाउ इन अ न्यूक्लियस. इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन एक से बढ़ गया और एक न्यूट्रॉन कम हो गया. और सो पॉजिट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर और नेगेट्रॉन को क्या किया, नेगेट्रॉन विच इज इक्वलेंट टू इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन के बराबर क्यों कहा, क्योंकि उसका चार्ज माइनस है और उसका मास नेग्लिजिबल है. सो चार्ज इज माइनस वन. सो हुआ क्या कि क्यों, अब देखें यहां पर जो भी मॉलिक्यूल बना, क्योंकि एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन कम हुआ और एक प्रोटॉन बढ़ गया, इसलिए मास में कोई चेंज नहीं है. मास में क्यों चेंज नहीं है, क्योंकि द मास ऑफ द लॉस ऑफ न्यूट्रॉन इज कंपनसेटेड बाय द इंक्रीज इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. पर क्योंकि एक प्रोटॉन बढ़ गया है इसलिए एटॉमिक नंबर 6 की बजाय अब 7 हो जाएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर. और अगर एटॉमिक नंबर बदल गया तो प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी, अब उसे कार्बन नहीं कहेंगे बल्कि उसे क्या कह देंगे, नाइट्रोजन. तो फायदा क्या हुआ, अगर आप इसको विजुलाइज करें तो फायदा क्या हुआ इस पूरे ओवरऑल प्रोसेस के अंदर. सो व्हाट इज द बेनिफिट कि जब कभी भी C14 N14 में कन्वर्ट होता है, ये अनस्टेबल था, N14 स्टेबल है. N14 स्टेबल क्यों है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी अब 7 है, अब इक्विलिब्रियम आ गया. यहां अनस्टेबिलिटी क्यों थी कि प्रोटॉन 6 थे और न्यूट्रॉन 8 थे. और बाहर की तरफ क्या लिबरेट हुआ, बाहर की तरफ लिबरेट हुआ एक नेगेट्रॉन जिसके ऊपर मास 0 है, चार्ज माइनस वन, और साथ में लिबरेट हुआ एक एंटी न्यूट्रिनो जिसके बारे में हम आगे जब रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे तब बात करेंगे. सो आपने हमेशा पढ़ा होगा ना कि लगभग 5800 ईयर्स के बाद C14 की अमाउंट हाफ हो जाती है, तो बाकी का C14 कहां चला गया. After every, let's say, 5,800 years, the original concentration of C14, it reduces to half. So, बाकी 50% कहां उड़ गया. Yes, बिल्कुल देवव्रत शुक्ला रोई, बिल्कुल बिल्कुल. बाकी का C14 अब वो C14 वाली फॉर्म में नहीं है, वह किस फॉर्म में है, इट हैज कन्वर्टेड इनटू एन नाइट्रोजन 14. और जो कुछ भी हमारा काउंटिंग का तरीका, वहां से हम रेडिएशंस को एमिट कर रहे हैं. 50% फॉर्म जो N14 में कन्वर्ट हो गई वो रेडिएशन एमिट नहीं करेगी. ये जो काउंट पर मिनट आ रही थी, जो रेडिएशंस पहले जितनी मिल रही थी अब उतनी रेडिएशंस नहीं मिलेगी, क्योंकि रेस्ट ऑफ द 50% ऑफ C14 इट हैज बीन कन्वर्टेड टू अ स्टेबल फॉर्म N14. So, रेडिएशन C14 ही एमिट करता है, 50% N14 में कन्वर्ट हो गया 5800 ईयर्स में, तो अब रेडिएशन एमिट नहीं करेगा. सो दैट्स व्हाट वी से इज दैट रेडियो एस्ट्रॉस विथ अ टाइम दे एमिट्स, दे गेट कन्वर्ट इनटू अ स्टेबल फॉर्म एंड ड्यू टू विच द अमाउंट ऑफ दिस रेडियो एस्ट्रॉस डिक्लाइंस. यस सिदेश,
चलो आपको समझ में आया तो चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करें आप। अगर आपको कह दिया कि लेट से ट्रिटियम हाइड्रोजन है, लेट से यू आर हैविंग अ ट्रिटियम हाइड्रोजन और इससे बीटा डीके होता है तो पीछे क्या बचेगा, व्हाट यू विल गेट इफ देयर इज अ बीटा डीके, बीटा डीके होता है और वो भी नेगेट्रॉन तरीके का बीटा डीके, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। ट्रिटियम हाइड्रोजन अनस्टेबल है, क्यों अनस्टेबल है ट्रिटियम हाइड्रोजन, क्योंकि वहां पर एक प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है, ना इंसाफी है। अब ये भी रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेट करता है, हीलियम बिल्कुल सही है, नया जॉली बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे उसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास दोनों बताएं हीलियम का, बिल्कुल मॉमिक, यस यस दैट्स व्हाट आई वांट टू नो, यस रोही यही मैं, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल, गुड इवनिंग रेणु, हां अंजलि बिल्कुल सही बात है। हाँ तो हुआ क्या, वापस में जो एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन था वो स्प्लिट हुआ होगा और एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ होगा, जिसकी वजह से इट विल गेट कन्वर्ट हुआ हीलियम, जिसका मास में तो कोई चेंज नहीं आएगा, मास विल रिमेन सेम, क्योंकि जब कभी भी नेगेट्रॉन तरीके का बीटा डीके होता है तो एटॉमिक मास में चेंज नहीं आता, एटॉमिक नंबर इट इंक्रीजेस बाय वन। सो विथ अ टाइम द सी 14 get convert into N14. With a time, tritium hydrogen, since it is unstable, it get convert into a stable form, that is a helium. So, अब तक हमने पढ़ा normal isotopes के बारे में, हमने बात की radio isotopes के बारे में, some form of we can say atoms which has unstable nucleus, they emit radiations so as to achieve stability, this phenomenon of an emission of radiation is referred to as radioactivity, and such forms of an atom or such isotopes are referred to as radioisotopes. So this was about the isotopes. Now one thing may come in your mind, हम एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट को लगभग सिनोनिम की तरह इस्तेमाल करते हैं। पॉजिट्रॉन नेगेट्रॉन बहुत सिंपल है, हम आगे रेडियो एक्टिविटी में पढ़ेंगे, जिनको भी क्लियर नहीं है अभी, सिर्फ मैं इतनी बात कर रहा हूं कि जब कभी भी न्यूट्रॉन स्प्लिट होगा, अगर ज्यादा न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन स्प्लिट होगा, अभी सिर्फ सिंपल तरीके से याद रखा जा सकता है, उस दौरान एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन बनेगा, इतना याद रख लो, इलेक्ट्रॉन को ही हम नेगेट्रॉन कह रहे हैं जो बाहर की तरफ लिबरेट होगा, ठीक है। और जो प्रोटॉन के लिए मैं टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं जो न्यूक्लियस के अंदर रहेगा, तो हम कह रहे हैं एक न्यूट्रॉन कम होता जा रहा है तो एक प्रोटॉन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस से एक न्यूट्रॉन कम हुआ एक प्रोटॉन बढ़ गया, इसलिए मास में तो कोई चेंज नहीं है, क्योंकि मास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर डिपेंड करता है, पर क्योंकि प्रोटॉन एक से बढ़ जाता है इसलिए एटॉमिक नंबर एक से इंक्रीज हो जाता है। खैर हम कह रहे थे एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट में बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, एटॉमिक मास जिसको मास नंबर भी कहते हैं हम, एटॉमिक मास इज सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ अ सिंगल एटम, जिसे मास नंबर भी कहते हैं, जैसे कार्बन का एटॉमिक मास नॉर्मल कार्बन का 12 है, क्योंकि उसके अंदर 6 अगर प्रोटॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन्स हैं तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 12, जिसको हम आगे भी बात करेंगे, जिन्हें एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है, AMU कहा जाता है। अब जैसा अभी हम बात कर चुके हैं कि एक एटम की एक से ज्यादा फॉर्म नेचर के अंदर एग्जिस्ट करती है, उन सब का वेटेड एवरेज लेकर जो हमारे पास मास आएगा उसे एटॉमिक मास कहने की बजाय उसे हम क्या कहेंगे, एटॉमिक वेट। यानी कहने का मतलब ये क्या है कि जैसे लेट से नेचर के अंदर कार्बन 12 भी प्रेजेंट होता है और कार्बन 13 भी प्रेजेंट होता है, कार्बन 12 नेचर में लगभग 99% है, कार्बन 13 1% है, और कार्बन 14 को हमने यहां से हटा रहे हैं क्योंकि कार्बन 14 की अमाउंट बहुत नेग्लिजिबल है, वो मास उसका प्रोपोर्शन बहुत कम है, अगर उसको भी ऐड करेंगे तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा।
अब जो कुछ भी हम कार्बन नेचर से कलेक्ट करेंगे उसमें 99% हमारे पास कौन सा आएगा, 12 वाली फॉर्म, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 11.88, दैट इज 12 × 0.99। जो भी कार्बन हम नेचर से कलेक्ट करेंगे उसमें से कुछ अमाउंट 13 वाली भी होगी अकॉर्डिंग टू इट्स अकरेंस इन नेचर, और उसका प्रोपोर्शन कितना है 0.01, इसका कंट्रीब्यूशन ये आ गया। इन दोनों को हम ऐड कर दें, सो दिस विल बी रेफर्ड टू एज एटॉमिक वेट। सो ये बात हुई हमारी एटॉमिक वेट के बारे में। थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन आप भी चेक करें एक बार। बफरिंग हो रही है मेरी तरफ से, पॉज नहीं है, यहां से स्ट्रीमिंग नॉर्मल हो रही है, आप एक बार वापस चेक करें। वापस एक बार चेक करें आप लोग, मैं अभी मेरी तरफ से चेक कर रहा हूं। ठीक है, मेरे हिसाब से सही लग रहा है। चलो अब देखते हैं, वैसे भी हम खत्म करने वाले हैं, तो हम यहां तक बात कर रहे थे कि व्हाट वी मीन बाय एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वेट। अब बहुत सिंपल सी दो चीजें, उसके बाद हम आज का लेसन खत्म करेंगे कि व्हाट इज आइसोबार एंड व्हाट इज आइसोटोन, ये दो चीज बता दें। ये वीडियो अगर बफर भी हो रहा है तो आपको ऑफलाइन मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर बफरिंग हो भी रही है तो। आप रिफ्रेश करिए अपने एक बार इसको। माउ क्वेश्चन इज व्हाट इज आइसोबार एंड व्हाट इज आइसोटोन्स। सो आइसोबार R, which has same atomic mass, उन्हें हम isobar कहेंगे। याद रखने के हिसाब से जिनका भार एक जैसा हो उसे isobar कहा जाएगा, हिंदी का वर्ड है भार। isobar, which has same atomic mass but different atomic number, मतलब isotope का उल्टा हो गया। isotope में हम क्या कह रहे थे, same atomic number है but different atomic mass है, तो आइसोबार के अंदर डिफरेंट एटॉमिक मास है बट सेम एटॉमिक मास है बट दे आर हैविंग अ डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सो आइसोबार आर हैविंग अ सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल C14 एंड N14, इन दोनों को क्या कहा जाएगा, आइसोबार, बट दे आर डिफरेंट एटम्स, एक कार्बन है दूसरा नाइट्रोजन है, उनमें कॉमन बात क्या है कि दे हैव अ सेम एटॉमिक मास। एंड व्हाट आर आइसोटोन्स, आइसोटोन्स आर दोज विच आर हैविंग अ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट दे हैव अ डिफरेंट
they will have different number of protons, and if the number of protons they are different, they are having a different atomic mass. So isotope mein proton ek jaise hote hain, isobar mein atomic mass ek jaisa hota hai, isotone mein number of neutrons ek jaise hote hain. For example, oxygen 16 और नाइट्रोजन 15. इसके अंदर देखेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. हियर देर आर 8 प्रोटॉन्स, नाइट्रोजन में देर आर 7 प्रोटॉन्स. एटॉमिक मास इज 16, सो 8 न्यूट्रॉन्स, इट इज 15, मींस 8 न्यूट्रॉन्स. सो ऐसी फॉर्म्स जिनमें न्यूट्रॉन्स सेम हो उन्हें क्या कहा जाएगा? आइसोटोप. तो तीन चीजें, आइसोटोप, दे आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एटम्स, दैट इज दे हैव अ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास. ओके, आइसोबार, दे हैव अ डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक, दे हैव आर हैविंग अ सेम एटॉमिक मास, दैट इज आइसोबार, दे आर हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर. Isotone, they are having a same number of neutrons. They have a different atomic number, they have a different atomic mass. So, this is what we are going to discuss today. बाकी की चीजें अब हम next class में discuss करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 1.5 hours के ज्यादा आप लोग भी मेरे साथ जुड़ पाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे एनर्जी, फोकस, सब चीजें कम होती है. लेकिन वही स्लो एंड स्टडी विल विन द रेस. आज तक हमने मतलब एटम्स, एटम्स की डिफरेंट फॉर्म्स, आइसोटोप, आइसोबार के बारे में पढ़ा. ओके, कल हम बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे. अभिषेक, आइसोबार का मतलब आर द फॉर्म्स विच आर हैविंग अ सेम एटॉमिक मास बट दे हैव अ डिफरेंट एटॉमिक नंबर. एग्जाम्पल कार्बन 14 और एन 14 को. तो थैंक यू एवरीवन, आपको पसंद आया अगर ये लेक्चर तो जाते जाते एक बार लाइक जरूर करते जाइएगा. आपके जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर भी ये इंफॉर्मेशन शेयर करिएगा, चाहे वो सीएसआर की प्रिपरेशन कर रहा है नहीं कर रहा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन उनके एमएससी में भी हेल्प करेगा, इवन बीएससी स्टूडेंट्स को भी ये टॉपिक हेल्प करेंगे. सो आपके जो भी जूनियर सीनियर्स हैं उनके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करें और कल भी बने रहे एंड हैप्पी लर्निंग. मैं मेरी तरफ से कोशिश करूंगा जितना मैं पढ़ा सकता हूं उतना पढ़ाऊं, आप भी साथ में कॉपी रजिस्टर लेकर बैठे, अभी बहुत बेसिक टॉपिक पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आपको भी मजा आएगा पढ़ने में. तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन. और अपने फ्रेंड्स को जरूर बताइएगा साथ में कि हमारी नेट फिजिक्स की क्लासेस भी चल रही है और नेट केमिकल साइंसेस की क्लासेस भी चल रही है, तो वो भी फ्री क्लासेस अटेंड कर सकते हैं. सो वंस अगेन थैंक यू, थैंक यू एवरीवन.